नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। तो आज दोस्तों बस छोले और भटूरे में बना रही हूँ, तो छोले की भी मैं रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ। तो छोले मैंने रात को गला के मतलब फुला दिया था और अच्छे से छोले फूल गए हैं, और उसे मैं कुकर में डाल दी हूँ। कुकर में बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लाल मिर्च तोड़ के और थोड़ी सी तेल डाल दी हूँ, बस इतना ही डाल के और फिर चढ़ा दी हूँ। और यहाँ निकाला है चार टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज, सब सब जो जो होते हैं ना, सारे मसाले निकाल लिए, खड़े मसाले और ये सब सब भी। तो चार टमाटर और चार प्याज का मैं बनाऊँगी इसका पेस्ट, और कट करके रख दिया है। अभी मैं जाऊंगी मिक्सी में पीस लूंगी, लहसुन भी छील लिया है, और उसके बाद अभी मैं पीस ले रही हूँ। और पीसने के बाद ये क्या बोलते हैं, जो मसाले धनिया जीरा वो तो वही डलाएगा। और दोस्तों मेरे तरीके से एक बार बनाइएगा ना, तो हलवाई भी पूछेंगे कि कैसे बनाया, और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी मिक्सी लेके, और बस मैं इसे प्याज को पीस लूँगी, प्याज पीस लूँगी, टमाटर अलग से पीसूँगी, और प्याज में ही लहसुन और जो खड़े मसाले थे, मतलब जैसे बड़ी इलायची थी और तेज़पत्ता वगैरह, तो मैंने उसमें डाल दिया था और उसी में डाल के और पीस ले रही हूँ। ज़्यादा मतलब सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसे मैं पहले पीस ले रही हूँ, और प्याज अदरक वगैरह सब प्याज में मैं डाल के पीस रही हूँ, अलग से मतलब नहीं पीस रही हूँ, उसी में डाल के पीस ले रही हूँ, मतलब 10 बार इधर उधर करने की जरूरत। इधर का मौसम थोड़ा अच्छा है अभी, मतलब जैसे थोड़ी गर्मी कम है, बारिश वगैरह भी हो रहा है, और मैंने प्याज पहले पीस लिया, उसके बाद में टमाटर पीस रही हूँ। तो बस कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था, बच्चे लोग भी बहुत दिनों से बोल रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं मतलब कि हिम्मत नहीं हुआ यह सब बनाने का। लेकिन मैं फिर अभी मैंने सोचा चलो, अभी दो दिन से हम लोग की तरफ बारिश हो रहा है जैसे, तो रात में बारिश हो जाता है, दिन में ठीक दिन रहता है, शाम के टाइम बदरी जैसा करने लगता है दो दिन से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, और ये प्याज पीस लिया है और अलग से टमाटर पीस लूँगी। और बस ये देखिए टमाटर भी पीस लिया, चार टमाटर थे और दो चार प्याज, और इसे मैंने मतलब कि लाल मिर्च वगैरह डाल के और इसे मैं भून ले रही हूँ, और मसाले वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो मसाले में वही जीरा, गुलकी, धनिया यही सब पड़ेगा, और उसको अच्छे से मैं पहले अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं थोड़ा सा मलाई भी डाल दूँगी। और छोले तो मतलब कि मेरे हो गए थे, तो मैंने साइड में उतार के रख दिया। ये देखिए कितने अच्छे छोले गल गए हैं अच्छे से, और एकदम सॉफ्ट हो गए थे ये देखिए। और बस मैं इसी में डाल दूँगी, फिर मैं ना ये क्या बोलते हैं मसाला सिर्फ कढ़ाई में भूनती हूँ अच्छे से, मुझसे भुनने बनता है, कुकर में अच्छे से भुनने बनता नहीं है, इसीलिए फिर मैं ना कुकर को मतलब कि ये फिर इस कढ़ाई मैंने किया है, और फिर मसाले भुन जाएंगे, बस कुकर में ही मैं फिर से पलट देती हूँ, और ऐसे अच्छा से भुना भी जाता है और मिक्स भी हो जाता है। ये देखिए मैंने छोले भी डाल दिए इसमें,
और छोले भी डाल दिए हैं इसमें, पानी जितना आपको ग्रेवी रखना है रखिए, और थोड़ा बहुत मैं पानी डाल दूँगी और पानी डाल के ढक्कन लगा दूँगी कुकर में और सीटी लगवा दूँगी ताकि अच्छे से सारा मिल जाए और सही से सही तरीका से भी रहे। तो यहाँ पे मेरा तो एकदम अच्छे से छोला एकदम टेस्टी दिख रहा है, बच्चे लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद। तो मैंने मतलब जितना पानी डालना था डाल दिया है और फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ और फिर अभी मैं कुकर में डाल दूँगी और एकदम गाढ़ा गाढ़ा है। और अभी मतलब थोड़ा अभी धूप जैसा हो गया था इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी और यहाँ पे छोले को मैं कुकर में डाल दे रही हूँ और एक दो सीटी लगवा दूँगी, थोड़ा पानी नहीं डालूँगी ना तो मतलब ये क्या बोलते हैं जल भी जाएगा छोला, इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया क्योंकि मतलब चने हैं और फिर उसके बाद कुकर में सीटी भी लगवाना है, एक दो सीटी ही लगवाना, ज़्यादा नहीं लगवाना तो शायद चिपकने लगे इसीलिए। और छोला भटूरा बना रही हूँ तो बच्चे लोगों को ऐसे ही छोला पसंद आता है, ज़्यादा गाढ़ा वाला नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने आधा से ज़्यादा तो कुकर में डाल दिया है और अब कपड़े से पकड़ के मैं कढ़ाई में जो बाकी बचा है ना वो भी डाल दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेस्टी बना था। तो इतने दिनों के बाद, ज़्यादा दिन के बाद कुछ बनाने से ना टेस्टी ही बनता है, तो बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, मतलब मुझे तो याद भी नहीं कब बनाया था। और अभी मतलब ठंड भी पार हो गया, गर्मी भी पार हो गया, मतलब पार हो रहा है लेकिन नहीं बनाया था, लेकिन अभी मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं, नहीं तो फिर सोचते रह जाती हूँ आज बना दूँगी कल बना दूँगी। बच्चे लोग भी बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ ठीक है कल बन जाएगा, कल बना देते हैं आज बना देते हैं, लेकिन फिर ना कुछ कुछ और मैं बना देती थी। और यहाँ ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है और ज़्यादा मैंने पानी वगैरह डाला नहीं है और मसाले वगैरह एकदम अच्छे से हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी दिख रहा था। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी भटूरे के लिए आटा, तब तक ये सीटी मारेगा तब तक भटूरे थोड़े देर के लिए सेट हो जाएंगे, फिर कपड़े वगैरह भी थोड़े थे तो मैं तब तक वो धो लूँगी और इसे सान के मैं रख दे रही हूँ। तो इसे मैदा मैंने निकाला है, इसमें डाला है सूजी और ये होगा दो कप मैदा होगा, 2-2.5 कप होगा क्योंकि सब लोग खाएंगे ना इसीलिए। और इसमें मैंने डाला है सूजी, दही और थोड़ा सा मैंने डाला है क्या कहते हैं चीनी और थोड़ा सा एकदम हल्का सा नमक और फिर इसे सारा को मिला दिया, थोड़ा सा तेल भी डाला था देखा ना आपने शुरू में, सब कुछ अपने स्वाद के अनुसार मैंने डाल दिया हल्का फुल्का और उसके बाद सबको अच्छे से मिला ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसे गूंद के रख दूँगी और फूल मतलब थोड़ी देर फूलने के लिए तो अच्छा से हो जाता है। ये देखिए डो लग गया है और इसे मैं अभी ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी, मतलब 10-15 मिनट भी हो जाएगा ना तो अच्छे से हो जाता फूला फूला। तो फिर 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं, इसे ढक के मैंने रख दिया रेस्ट के लिए, अब वो रेस्ट कर रहा है। अब फिर मैं आ गई हूँ फिर से, तो यहाँ पे एकदम अच्छे से हो गया था और यहाँ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है तो आज मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ, ये वाला कढ़ाई में बना रही हूँ। और यहाँ गर्मा गर्म भटूरे भी बनने लगे हैं दोस्तों, तो ये देखिए गैस मैंने कम कर दिया था क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मुझे लगा कहीं जल ना जाए इसीलिए। और यहाँ पे पहला भटूरा मैं सबसे पहले तल रही हूँ, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि कुछ अच्छा बनता है ना और मतलब कि उन लोगों का मनपसंद, तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोल भी रहे थे कि बड़े बड़े बनाओ बड़े बड़े, लेकिन बड़ा ना मतलब बना रही थी नीचे में फिर जब उठा रही थी तो छोटा सा हो जा रहा था, सिकुड़ जा रहा था थोड़ा, इसीलिए फिर ज़्यादा बड़ा बड़ा भटूरा नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बड़ा बना था। और यहाँ पे जो स्पेस है ना इसमें इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा क्योंकि बेलने का स्पेस ज़्यादा नहीं मिल रहा था, यहाँ पे हाथ में लग जा रहा था चोट, दीवार है ना एकदम सटा हुआ इसीलिए चोट लग जा रहा था बार बार हाथ में, तो इसीलिए इससे बड़ा तो नहीं बन पा रहा था। इससे थोड़ा मोड़ा बड़ा बना था, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बना था। और मैं बना ले रही हूँ गर्मा गर्म भटूरे, तो बस ये देखिए और बनाते जाऊँगी और दे दूँगी फिर बच्चे लोगों को। यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे भटूरे छान लिए थे,
हैं और एकदम बड़े बड़े हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तो बस यहाँ पे ना दोस्तों मैं बनाते जाऊँगी और थाली भी लगाते जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि पहले ना चार पांच मैं छान ही लेती हूँ, उसके बाद थाली लगाऊँगी। और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बस ये देखिए कि मतलब बेल बेल के मैं थी करते जा रही हूँ और देते जा रही हूँ बच्चे लोग को, और मतलब कि छान छान के गरम गरम ही, और गरम गरम अच्छा भी लगता है। और मतलब अच्छे से छना जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, ये नहीं कि ऐसे हो रहा वैसे हो रहा है, हो जा रहा था। लेकिन थोड़ा सा बेलने का जगह जो मैं नीचे वहाँ पे बेल रही थी ना किचन काउंटर पे, तो वहाँ पे हो नहीं रहा था क्योंकि जगह बहुत कम है, बहुत किचन मेरा छोटा सा है, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है इसी किचन में मुझे। फिर भी बच्चे लोग इतना ही बड़ा भी, इतना बड़ा में भी खुश हो जा रहे थे। और बस ये सब ना मेहनत तो बहुत लगता है, लेकिन बच्चे को खुशी देख के आगे ना ये सब सारा मेहनत ना मतलब कहाँ ज़्यादा पता ही नहीं चलता, थकावट भूल जाता है आदमी। और यहाँ पे देखिए मेरा गर्मा गर्म भटूरे कैसे तैयार हो रहे हैं, और अभी मैं छोले भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए छोले भी मेरे बन गए, कितने टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी छोला बन गया है। और बस अब मैं प्लेट लगाऊंगी, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए छोले छोले भी एकदम अच्छे से पक गए हैं, तो बस छोले मैं निकाल ले रही हूँ, गर्मा गर्म है, और भटूरे भी एकदम गर्मा गर्म है। तो मतलब आज मौसम ठीक है इसलिए ये सब खा ले रहे हैं, नहीं तो मैं ज़्यादातर तो सिंपल रोटी सब्जी ही बनाती हूँ, आप लोग देखे ही हैं। लेकिन आज कुछ मन कर रहा था तो इसलिए खा लेना चाहिए, जो भी मन करता है। तो थोड़ा सा मैं सजावट भी कर दे रही हूँ, तो भटूरे मेरे आ गए, छोले भी आ गए, और अब क्या आएगा, प्याज, प्याज भी मैंने कट किया थोड़ा सा। तो वो गाजर वाला अगर अचार रहता ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है नहीं मेरे पास गाजर वाला अचार। वो वाला अचार मुझे बहुत पसंद आता है, गाजर और मिर्च वाला, लेकिन चलो कोई नहीं, वो नहीं है। लेकिन छोले भटूरे हैं, और अभी मतलब कि थाली तो मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे कुछ सुना सुना लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा याद कर लेते, उसके बाद मैं मतलब सोच के करती हूँ कि इसमें और क्या करना है। अभी तो मतलब कुछ कुछ और भी हो सकता है इसमें, तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या करना रहता। आप लोग भी आ जाइए, थाली लग गया, और यहाँ पर देखिए भटूरे हैं और प्याज मैंने और भी कट कर दिया। एक का छोला भटूरा बन के तैयार हो गया है, गर्मा गर्म एकदम। आप लोग भी आ जाइए छोले भटूरे खाने के लिए, और चलिए हम लोग भी खा लेते हैं। तो एकदम गर्मा गर्म है और टेस्टी टेस्टी है। यहाँ पे मेरा मिट्ठू ना बहुत हल्ला करते रहता है हर टाइम, तो बस प्लेट लग गया है, अब मैं भी खाने जा रही हूँ। बच्चे लोग भी टूट पड़े हैं, खा रहे हैं बच्चे लोग भी। और यहाँ पे और एक्स्ट्रा में मैंने फिर से दही थोड़ा सा ले लिया था उसमें, और दही डाल देने से ना और भी अच्छा ही लग रहा था, मतलब बहुत टेस्टी लग रहा था, तो दही भी डाल दिया था थोड़ा थोड़ा, और प्याज वगैरह था ही। तो बस जल्द से जल्द ये वाला वीडियो मैं एडिटिंग करके, एडिट वगैरह करके मैं डालूंगी। आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी गर्मी में इतना मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाने में भी तो बहुत मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बेटी भी ली थी अपना, तो देखिए दही ज़्यादा ले ली थी, तो बोल रही थी मत दिखाओ मत दिखाओ, तो फिर मैंने बोला ठीक है नहीं दिखा रहे हैं। और फिर मेरा बेटा चला गया था सुबह में, हम लोग दोनों माँ बेटी खाए थे, और मेरा बेटा चला गया था, तो उसके लिए फिर मेरी बेटी छान बोल रही थी मैं छान के देखती हूँ, तो वो बेल रही थी और मैं छान दे रही थी भटूरे। तो फिर वो आया था दोपहर के टाइम, जैसे दोपहर में, तो ये लंच ही है दोस्तों, नाश्ता वगैरह में इतना हैवी कोई नहीं खा सकता है। तो बस हम लोग ना ये क्या बोलते हैं लंच में ही बनाया था, तो फिर ट्यूशन से आया मेरा बेटा, तो फिर उसके लिए भी मैंने गर्मा गर्म तल दिए थे, आटा रख दिया था भटूरा वाला, और मैंने बोला कि लाओ मैं तल देती हूँ, तो बोलती नहीं मैं तल दूँगी भैया के लिए, और एकदम अच्छा गर्मा गर्म। और भटूरे अच्छे में बेटी को भी अच्छे से बेलने आ जा रहे थे ये देखिए, और होता है ना थोड़ा सा एक दो का भी ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर बाद में अच्छे अच्छे बनने लगते हैं। तो शुरू में दोस्तों कभी भी डालो ना तो थोड़ा सा ना थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हो जाता है, लेकिन फिर बाद में अच्छे अच्छे भी निकलने लगते हैं। लेकिन जब शुरू में ही वीडियो बनाओ और उसी टाइम मतलब कि ख़राब वाला बन जाता है ना, तो फिर वीडियो भी ख़राब हो जाता है और मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन देखिए ये कितना अच्छा बना है एकदम, और वो वाला थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, और हालांकि वो मतलब शुरू में मैंने बनाया था, और ये फिर दूसरी बार मेरी बेटी बनाई थी, और ये देखिए फिर दूसरी
दूसरी बार मेरी बेटी बना रही है, तो ये वाला अच्छा बन गया था फिर। लेकिन जो पहला वाला वो बनाई ना, वो थोड़ा सा ठीक नहीं बना था, और अच्छे अच्छे से फूले फूले भी बन रहे थे, एकदम फूला फूला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग किस तरीके से भटूरे बनाते हैं आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोले भी, छोले तो मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं छोले भटूरे कुछ भी बनाने का, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आज तो हम लोगों को छोला भटूरा खा के मज़ा ही आ गया था। और अभी हो गया शाम का टाइम, तो मैं शाम को जा रही हूँ कपड़े उतारने, और आंगन में भी थोड़ा सा मतलब घूम फिर ले रही हूँ। और बहुत अच्छा बना था छोले भटूरे, भटूरे भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट थे और फूले फूले थे, और छोले भी अच्छे लग रहे थे, एकदम सॉफ्ट थे, तो मतलब दोनों अच्छा था लगभग, मतलब अच्छा लगा था, तो मुझे भी अच्छा लगा था, दोनों बच्चे को भी अच्छा लगा, और बहुत दिनों के बाद भी बनाया था ना, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं उतार ले रही हूँ कपड़े, और मतलब कि होता है ना, फिर मैं थोड़ा देर सो गई थी, जब सारा काम किचन का हो गया था, किचन के सारे काम निपटा उपटा के मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर याद पड़ा कि फिर शाम को आजकल बारिश आ जाता है, तो मैंने सोचा चलो उठा के कपड़े रख दे रही हूँ, नहीं तो फिर से बारिश वगैरह कहीं आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए फिर कपड़े भीग जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ना पानी का मतलब भरने का, तो गर्मी में ना बहुत दिक्कत होता है, पानी भरना ही पड़ जाता है, कभी चालू होगा कब नहीं, कोई ठिकाना नहीं रहता आजकल। और फिर जैसे होता है वैसे मैं भर लेती हूँ, नहीं तो फिर ना नहाना धोना बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिना पानी का दोस्तों। तो आप लोगों की तरफ भी ऐसा होता है क्या? इधर तो बहुत दिक्कत हो जाता है पानी का,